अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसमें मैंने दो बड़े साइज़ के बैंगन लिए हैं और अच्छे से धो लिया है। ये मैंने गोल वाले बैंगन लिए हैं, इसमें इस तरह से कट लगाना है। चार कट लगाने हैं इसमें इस तरह से। हर बैंगन में इस तरह से चीरा लगाकर हमें इसमें ये लहसुन के जबे दो दो फिल करने हैं इसमें। इससे लहसुन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपका बैंगन में आप रोस्ट करेंगे तो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बैंगन में दो लहसुन के जबे आपको इस तरह से फिल करने हैं। देखिए, अब हमें इन दोनों बैंगनों को स्लो आंच पे रोस्ट करना है, हल्के हल्के। जब तक हमारे बैंगन रोस्ट होते हैं हम आपको मसाले दिखाते हैं। इसमें हमने काट लिया है 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन ली है, इसे हमने चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटो लिए हैं, इसको भी चॉप कर लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी, लाल मिर्चें जाएंगी, 1 टीस्पून जायके के मुताबिक नमक जाएगा और ज़ीरा पाउडर जाएगा 3 स्पून। अब इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ी हींग ऐड करते हैं, एक चुटकी। 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करते हैं इसमें। ज़ीरा हमारा तड़क चुका है, इसमें हम ये चॉप ऑनियन ऐड करते हैं। इसको तो ऑनियन को हल्का भूनना है हमें, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, सिर्फ पिंक कलर आने तक। अब ये ऑनियन का कलर थोड़ा सा पिंक और ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसमें टमाटो ऐड करते हैं और ये ग्रीन चिली भी इसी टाइम ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा भूनते हैं। 1 स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर, इसमें टमाटो हमारे सॉफ्ट होने लगे हैं, अब इसमें ये मसाला ऐड कर देते हैं। सारा मसाला हमने ऐड कर दिया है इसमें, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और क्या नाम है, नमक, हल्दी पाउडर, इसको डालकर अब भूनते हैं। इधर हमारे बैंगन भी रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें एक साइड रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसमें हमने 2 स्पून वाटर भी ऐड किया है और अब इसे भूनते हैं। अगर हम पानी ऐड नहीं करते तो हमारा मसाले जल जाते हैं। ये हमारे बैंगन ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसके छिलके को इस तरह छुटाते हैं। थोड़े से अभी वॉर्म है, वॉर्म में ही इसका छिलका हटाना है, इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है आपको और ना ही पानी में डालना है। पानी में डालेंगे तो इसका फ्लेवर बिल्कुल आधा रह जाएगा जो हमने रोस्ट किया है, हमें रोस्ट किया हुआ फ्लेवर चाहिए। देखिए लहसुन भी हमारा कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, इसको हम चॉप करके डालेंगे उसमें। इसको छीलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये बैंगन हमारे छिल चुके हैं, इन्हें अब हम चॉप करते हैं। इसकी डंडी हटा देते हैं हम। देखिए इस तरह से इसको चॉप कर लेते हैं। छोटा छोटा आप इस तरह से करेंगे इसको तो ये अच्छे से चॉप हो जाएंगे। इसकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है रोस्ट
हुए हुए बैंगनों की कि हम आपको बता नहीं सकते। मसाला भी हमारा भुन चुका है, अब इसमें ये बैंगन ऐड करते हैं। ये छिलका रह गया है, इसे निकाल लेते हैं। ये गार्लिक भी इसमें चॉप करके ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स करते हैं। हमें इसे भूनने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। कवर कर रख देते हैं। देखिए ये हमारे बैंगन का भरता भुन चुका है, अब इसका ऑयल लूज आउट होने लगा है। तो हरा धनिया इसमें ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं इसको और फ्लेम को ऑफ करते हैं। आते हैं, ये रहा बैंगन के भरते का हमारा फाइनल लुक। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।